तो गाइस फाइनली हमारे पास लावा का ब्लेज 5G स्मार्टफोन आ गया है, जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और आपको 5G में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन यही देखने को मिलता है। तो गाइस आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही ऑल ओवर स्मार्टफोन आपको कैसे देखने को मिलता है मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल में भी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको 5G की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और पीछे के साइड इसके आपको हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाती है। तो गाइस फटाफट से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो गाइस बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते ही और एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। रैपर को निकालते हैं, इसके रैपर के अंदर आपको सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस इसके अंदर ये आपको ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस इसके अंदर ये वारंटी का सर्विस कार्ड देखने को मिल जाता है, इसको भी रख देते साइड में। इसके बाद स्मार्टफोन को रखते हैं साइड में। इसके बाद गाइस इसके अंदर आपको ये टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है, केबल आपको काफी अच्छे क्वालिटी की देखने को मिलती है। तो गाइस इसको रख देते साइड में। इसके बाद गाइस इसके अंदर आपको ये लावा का एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो गाइस इन सब को रख देते साइड में और देखते हैं स्मार्टफोन को। तो गाइस स्मार्टफोन के रैपर को निकालते हैं। तो गाइस लुक एट दिस स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की जो डिज़ाइन है ये आपको एकदम प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसके बैक साइड में आपको प्रीमियम ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसका जो लुक है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइस बढ़ते इसके पोर्ट्स और बटन की तरफ। तो नीचे के साइड आपको 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने को मिल जाता है। और गाइस ए साइड में सिम कार्ड ट्रे और वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने को मिल जाती है। तो गाइस ऊपर के साइड आपको प्लेन डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। ए साइड में आपको पावर ऑन ऑफ की और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो गाइस स्मार्टफोन को कवर के अंदर लगा के देख लेते। तो गाइस इसके अंदर भी स्मार्टफोन काफ़ी हैंडी लगता है और देखने में भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइस इसमें डिस्प्ले की कभी बात करते तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले है ये आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और ये जो डिस्प्ले एकदम स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ए स्मार्टफोन में कैमरे की कभी बात करते तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP की माइक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर। और गाइस फ्रंट में आपको फोटोज और वीडियोज लेने के लिए 8 MP की सेल्फी दी गई है। गाइज इसका जो कैमरा टेस्टिंग का वीडियो है मैं 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते। गाइज इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity का 700 का पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। गाइज उसके अंदर आप गेमिंग भी काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो और मल्टीटास्किंग भी काफी अच्छी कर सकते हो। गाइज इसमें 5G के बैंड्स की भी बात करते तो इसके अंदर आपको 8 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया में 8 बैंड सपोर्ट करते 5G के लिए, वही बैंड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते। ये आपको इसके अंदर सबसे खास बात देखने को मिल जाती है। गाइस इसके अंदर बैटरी की भी बात करते तो ए स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती, जो कि बैटरी आपको काफी अच्छी चलेगी। गाइस इसमें रैम और स्टोरेज की भी बात करते तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिलती है और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और गाइस इसके अंदर आपको 3GB रैम एक्सटेंडेड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 4+3 मतलब 7GB की रैम देखने को मिल जाती है। गाइस ए स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे ऑल ओवर काफी अच्छा स्मार्टफोन लगा। ये बजट के अंदर आपको कोई भी कंपनी में 5G स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता। इसकी जो प्राइस है ये सिर्फ आपको 11,000 देखने को मिलती है, पर ये ऑफर्स के साथ आपको सिर्फ 10,000 में देखने को मिलता है, मतलब अंडर 10,000 में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताओ। और गाइस वीडियो का भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस चैनल को अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।